दोस्तों देखो, आप सभी जानते ही हैं कि जीएनएम एक नर्सिंग से संबंधित 3.5 साल का कोर्स पड़ता है जो काफी ज्यादा पॉपुलर है। लेकिन दोस्तों इस कोर्स में एडमिशन का क्या प्रोसेस रहता है, कौन कौन से राज्य में एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है, किस तरह का एग्जाम होता है, उसका सिलेबस क्या रहता है और किस राज्य में कौन कौन से कॉलेज मान्यता प्राप्त है, कौन से कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं, इन सभी के बारे में विस्तार से और प्रूफ के साथ बात करेंगे। दोस्तों देखो, जीएनएम कोर्स के लिए कुछ राज्यों में तो एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है, जबकि कुछ राज्य ऐसे होते हैं जहां पर डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है, वहां पर कोई किसी तरह का एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिलता है। तो इन राज्यों के उम्मीदवार को पहले एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, जिसके लिए कम से कम आयु सीमा 17 साल होनी चाहिए और उम्मीदवार का किसी भी स्ट्रीम से सिर्फ 12th पास होना जरूरी होता है और 12th में कम से कम 40% नंबर तो आने ही चाहिए। इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म जून से जुलाई महीने के बीच में भरा जाता है, जिसमें 500 से 800 हज़ार रुपये तक का खर्चा भी आ जाता है। इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए हर राज्य में अलग अलग प्रोसेस रहता है। कहीं पर यह एग्जाम 1 घंटे का होता है तो कहीं पर 2 या 3 घंटे का भी एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है। और इसी तरह से कुछ राज्यों में तो इस एग्जाम में 60 प्रश्न पूछे जाते हैं तो कुछ राज्यों में 100 या 200 प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जिनमें से सभी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न रहते हैं और हर एक प्रश्न 1 नंबर का होता है। इसके साथ ही इस एग्जाम में 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी होती है और यह पेपर भी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आता है। आप किसी भी भाषा में कर सकते हैं, जिसमें पास होने के लिए कम से कम 40% नंबर तो लाने ही होते हैं। इसमें लाइफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, इन विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से लाइफ साइंस का सिलेबस स्क्रीन पर आपको अभी दिखाई दे रहा होगा। फिजिक्स का यह वाला सिलेबस रहने वाला है, इसी तरह से केमिस्ट्री का यह सिलेबस रहता है। इंग्लिश में इन टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, जनरल नॉलेज में ये वाले टॉपिक कवर होंगे, जबकि लॉजिकल रीजनिंग का यह वाला सिलेबस रहने वाला है। बाकी वीडियो को पीछे करके आप सभी विषयों का अलग अलग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी आप अपने राज्य का नाम हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे कि हम आपके राज्य के एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको दे सकें। तो इस तरह से एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके सरकारी कॉलेज मिलता है, जबकि अगर एंट्रेंस एग्जाम में नंबर कम आते हैं तो प्राइवेट कॉलेज दिया जाता है। बाकी कुछ राज्यों में डायरेक्ट एडमिशन भी होता है, जिसके लिए सबसे पहले उस राज्य में जीएनएम का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होता है, जहां पर उम्मीदवार को अपनी सभी डिटेल्स और यहां तक कि 10th और 12th के नंबर भी डालने होते हैं और फिर 12th के नंबरों के आधार पर ही मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है और उसी के हिसाब से सभी उम्मीदवारों को अलग अलग कॉलेज दिए जाते हैं, जहाँ पर जाकर उम्मीदवार एडमिशन ले सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको बता दूँ कि कुछ राज्यों में फर्जी कॉलेज भी पकड़े गए हैं, इसलिए स्टेट कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले आप इस लिस्ट को एक बार चेक कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कि उस कॉलेज का नाम इस लिस्ट में है कि नहीं, क्योंकि यह लिस्ट इंडियन नर्सिंग काउंसिल की तरफ से जारी की गई है, जिसमें राज्यों के अनुसार उन सभी कॉलेजों की लिस्ट दी गई है जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त है। तो ऐसे ही कॉलेज से जीएनएम का कोर्स कीजिएगा जिसका नाम इस लिस्ट में हो। बाकी इस लिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं। लेकिन सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज की फीस में काफी ज्यादा अंतर होता है। सरकारी कॉलेज में जीएनएम कोर्स की फीस 15,000 से 40,000 रुपए प्रति साल तक रहती है, जबकि प्राइवेट कॉलेज में यह फीस 40,000 से 80,000 रुपए प्रति साल तक भी जा सकती है। अपने राज्य का नाम नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, जिससे कि हम आपके राज्य की जीएनएम की भर्ती से संबंधित सही जानकारी आपको दे सके। बाकी इस वीडियो को उन दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा जो जीएनएम कोर्स कर रहे हैं या करने वाले हैं, जिससे कि उनका भी फायदा हो सके। बाकी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद।